हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे टपल्स इन पाइथन की। टपल्स क्या होते हैं पाइथन में? देखिए, टपल्स जो होते हैं ये मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं सिंगल वेरिएबल में लिस्ट की तरह से, बट ये अनचेंजेबल होते हैं। लिस्ट क्या होती है? चेंजेबल, उनको चेंज किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, पर टपल को चेंज या अपडेट नहीं किया जा सकता। और ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं, ठीक है, एक ऑर्डर में जिसमें हमारी वैल्यूज हैं टपल में उसी ऑर्डर में वो रहेंगे, ऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो किस तरह से बनाते हैं टपल को? देखिए, टी इक्वल टू इस तरह से, पहले भी आपने देखा होगा, मैंने बहुत जगह आपको बताया कि टपल को कवर करेंगे, तो इस तरह से 4, 3, 5, 2, 6, 1, ये एक टपल है, मल्टीपल वैल्यू है देखिए, और एक सिंगल वेरिएबल टी इसको होल्ड कर रहा है, ये है टपल, तो ये अनचेंजेबल है। तो पहले इसको प्रिंट करता हूं मैं, इसका टाइप फंक्शन से इसका टाइप देख लेते हैं, ठीक है, और यहां पे प्रिंट हो जाएगा। पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई, देखिए टाइप आ गया इसमें टपल, क्लास में टाइप देख रहे हैं और प्रिंट में वैल्यू आ गई 4, 3, ये इस तरह से प्रिंट हो गया। एक चीज और देख लेते हैं, अब इसकी लेंथ फंक्शन, इस पे इसकी लेंथ क्या है? टी को रहने देते हैं ऐसे, और बाद में यहाँ पे लेंथ फंक्शन टी पास कर लेते हैं, लेंथ क्या आएगी? लेंथ आ गई 6, ठीक है। तो तीन चीजें हमने चेक कर ली, टाइप क्या है इसका, टपल है, और ये क्या है, टपल किस तरह से प्रिंट करते हैं, और लेंथ इसकी, ठीक है। अब इसकी मान लीजिए मैंने एक्सेस करना है इंडेक्स से, तो इंडेक्स इसका वैसे ही एक्सेस करते हैं जैसे लिस्ट को करते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे है 1, ठीक है। तो टी 1 मैंने प्रिंट करना है, तो ट्री 1 आ जाएगा मेरा T1। T1 पे क्या है, 0 पे 4 है, 3 आना चाहिए, ठीक है। एक्सिस करते हैं तो देखिए 3 आ गया, ठीक। इसी तरह से T5 को करते हैं, प्रिंट किया मैंने, T5 पे 1 आ गया। अगर मैं T6 करूंगा, जो कि इसमें नहीं है, तो मुझे एरर आएगी, क्योंकि इसमें ये वैल्यू है ही नहीं। T6 देखे, T6 इंडेक्स पे कुछ नहीं है, 5 तक है, ठीक है। अब इसमें ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग जैसे -1 है, तो -1 को यहां भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। लेंथ ऑफ टी टपल -1, ठीक है। तो देखिए दोनों का लेंथ ऑफ टी क्या है, यहां से लेंथ कितनी आई थी, 6 आई थी, तो देखें 1, 1 आ गया, 6 - 1, 5, 5 इंडेक्स पे है 1, तो 1 आ गया। अगर इसको 2 करें और यहां भी 2 करें, तो अब 6, 6 आ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगी, पॉजिटिव भी जैसे कि हमारी लिस्ट पे कर रही थी, ठीक है। अब हमें कोई वैल्यू चेक करनी है इसके अंदर, जैसे कि इफ 7 इन ऑपरेटर से, इन कीवर्ड से, तो टी के अंदर 7 है या नहीं है, प्रिंट एग्जिस्ट, जैसे हम लिस्ट और स्ट्रिंग के लिए कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही है, प्रिंट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखिए नॉट एग्जिस्ट आ गया 5, 7, अब 5 में कर देता हूं तो 5 इसके अंदर है तो एग्जिस्ट आना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्ट। अब स्लाइसिंग देख के फिर हम देखेंगे कि वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती है, ठीक है। स्लाइसिंग ऑल देख लेते हैं, स्लाइसिंग भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करती है, टी कोलन, तो पूरी स्ट्रिंग यहाँ प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर यहाँ पे 0 लगा देगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ टपल लगा देगा, आ गया पूरा टपल आ गया। अब जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 1 से लेके, इंडेक्सिंग 0 नहीं, 1 से लेके 5 तक, ठीक है, ये देखिए 3, 5, 6, 1, 3, 5, 2, 6, 3, 5, 2, 6, आ गया। इस तरह स्लाइसिंग बिल्कुल वैसे ही करेगा, और नेगेटिव स्लाइसिंग भी वैसे ही करेगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव स्लाइसिंग अगर मैंने यहाँ पे ले ली, और यहाँ पे वही है लेंथ वाला, टपल की लेंथ माइनस पॉजिटिव इंडेक्सिंग में है, कन्वर्ट करना है लेंथ ऑफ टी टपल
देखिए सेम सेम आ गया, ठीक है। तो नेगेटिव स्लाइसिंग पॉजिटिव स्लाइसिंग बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमने देखा था लिस्ट में, टपल में भी वैसे करेगा। अब हम देखते हैं अपडेट, अगर हम इसमें कोई इंडेक्स है वन, वन पे हम टेन अपडेट करें, ठीक है। देखिए एरर आ गया यहाँ पे, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, आइटम असाइनमेंट नहीं करता है। तो हमने एक फंक्शन देखा था टी डॉट अपेंड, टी डॉट अपेंड देखा था हमने किसमें, लिस्ट में, एल डॉट अपेंड जो अपेंड मेथड देखा था कैसे वर्क करेगा। देखिए नहीं, टपल डज नॉट, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, अपेंड भी नहीं, तो इसमें हम वैल्यू जो है अपडेट नहीं कर सकते। कुछ ऑपरेशन ये था टपल, लेकिन आने वाले जो वीडियो है उसमें कुछ और ऑपरेशन देखेंगे टपल के बारे में। तो सबसे जो मेन चीज है टपल के बारे में वो ये है कि टपल इम्यूटेबल है, तो टपल को चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार जो बन गया सो बन गया, उसके अंदर कोई वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों है कि नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत जगह हमें प्रोग्रामिंग में ऐसा चाहिए कि एक बार जो हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी फिर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हमें वही यूज करनी होती है, और कहीं भी इंटरनल प्रोजेक्ट से हम कहीं से भी उसको अपडेट ना कर पाए। मान लीजिए हमने कहीं पे असाइन कर दी, कहीं किसी हेल्पर में कोई टपल बना दिया और हम उसको यूज कर रहे हैं थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग, तो वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे टपल का यूज होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ऑपरेशन। बाय बाय।